डिटर्मिनेंट ऑफ द एडजॉइंट। उसके बाद अगर हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दिस इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ए एन माइनस टू, और इसको हम क्या करते हैं आगे मल्टीप्लाई करते हैं अगेन विद द मैट्रिक्स ए। सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज द डिटर्मिनेंट रेज टू पावर एन माइनस टू, वेयर एन अगेन इज द ऑर्डर और ए जो है दैट इज द मैट्रिक्स गिवन टू यू। देन थर्ड रिजल्ट है हमारा कि अगर हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो विदाउट फाइंडिंग द एडजॉइंट, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों में से किसी भी तरीके से ये हमें गिवन हो सकता है, तो ये निकालना है अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो दैट इज गिवन बाय इसका डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट, दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हम क्या कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो इट मींस दिस विल बी इन दिस फॉर्म। अब इसका हम क्या कर रहे हैं डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो दिस इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, ऑर्डर माइनस वन का रेज टू पावर टू। सो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं विच यू हैव टू लर्न कर सकते हो इनको आप, और अकॉर्डिंगली जहां पे भी आपका रिजल्ट यूज होगा देयर यू आर टू यूज दिस। देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है अगर हमारे पास, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, तो अगेन जो है ये हमारा दिस इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट। यहाँ जो है इन क्वेश्चंस में साथ में ये लिखा आ जाता है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द एडजॉइंट यू आर टू सिंप्लीफाई। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, यू हैव टू वेट। सो दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स विच आपके जो है डायरेक्टली यू कैन यूज। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज 3, देन यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए हमें 3 गिवन है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 गिवन है, वी आर टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सो डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स रेज टू पावर ऑर्डर माइनस वन। तो दिस इज 3 रेज टू पावर ऑर्डर माइनस वन यानी कि 3 स्क्वायर, सो दैट इज 9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ अ मैट्रिक्स विद द डिटर्मिनेंट 3 and order also 3 is 9. Then the next question. Same इसी में हमें given है कि हमें एक matrix given है order 3 की again, और determinant हमें given है that is 9, and we are to find the value of twice of adjoint A. अब हमें value निकालनी है twice of adjoint A. Matrix determinant जो है हमें that is given to be 9. अब डिटर्मिनेंट हमें 9 गिवन है, हमें ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट निकालना है, तो आपको अगेन ये चीज पता है कि जब आप इसको लेके चलते हो तो जब आप के टाइम्स ए करते हो यहाँ पे इस तरीके से, तो के जो है जब आपका बाहर आता है दैट बिकम्स के रेज टू पावर एन, क्योंकि हर रो में से आपने के बाहर लिया है तो जितनी उसमें रोज होती है उतनी के की पावर आ जाती है। तो यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ए की बात कर रही हूँ, so this will become twice of order that is 3 into, जब हम determinant of adjoint A निकाल रहे हैं तो that is given by determinant A raised to power n minus 1. So determinant A is 9 raised to power n minus 1 that is 2. So this value will be 8 into 81. So this is 640. इसी को अगर आप चाहो तो आप अलग अलग भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहले आप क्या करो कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ले लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो
इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, यू नो द फॉर्मूला, इसकी वैल्यू पुट करो, ऑर्डर माइनस वन, तो दैट इज 81। तो यहाँ पे 2³ × 81, दैट इज 8 × 81, 648। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, फॉर एनी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, वी आर गिवन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 8008। And we are to find the determinant. अब देखो, given है मुझे a into adjoint of a, a capital है यहाँ पे, so this is given to me and I have to find out the value of determinant a. अब determinant a जो है, I know कि determinant a into identity matrix is equal to a into adjoint of a, यानी कि this I have to write in the form of determinant a into I. अब इसको जो है राइट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मुझे बनाना है तो मैं 8 जो है कॉमन ले सकती हूँ फर्स्ट रो में से, एंड 8 जो है मैं सेकंड रो में से कॉमन लूंगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरी दैट विल बी 8 टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स देन what will be the value of k if determinant of a inverse is determinant of a raised to power k. So I hope you would have noted these results. So I'm just going to delete this one. I'm going to erase this. अब देखो, हमें क्या शो करना है कि वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है हमें. Find the value of k so that if you are given a as a 3x3 invertible matrix, ek matrix aapki jo hai wo invertible kab hogi, if it is non-singular. If it is non-singular means its determinant is not equal to zero. Ye chote chote results se bhi aapke questions ban sakte hain. Singular means determinant zero, non-singular means determinant is not equal to zero, what is the condition for a matrix to be invertible? So condition for a matrix to be invertible is that it should be non-singular. अगर ये singular होगी तो उसका inverse जो है वो exist नहीं करेगा. तो ये questions भी आपके बन सकते हैं. It means you are to thoroughly go through the theory of your book also. So हमें अब इसमें given है A is a 3x3 invertible matrix. So what will be the value of K if determinant of A inverse is equal to determinant A raised to power k. अब देखो, determinant of A inverse जो है that is equal to determinant of A raised to power k हमने प्रूव करना है. हमें ये पता है एक मैट्रिक्स को, क्योंकि मैट्रिक्स हमें इन्वर्टिबल गिवन है, सो वी नो दैट जब हम एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. So, अगर हम अब इन दोनों तरफ पे डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आपका डिटर्मिनेंट होता है ये हमेशा आपका 1 होता है. और वन मोर थिंग यू नो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. हम इसको अलग अलग जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे. सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1. अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की. तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे रख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड करेगा. सो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए.
अब अगेन हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये पावर आप ऊपर ले जाओगे, सो दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर माइनस वन. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर माइनस वन. और हमें उसने क्या कहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है. अगर हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर के, और हमने क्या कैलकुलेट किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर माइनस वन, यानी कि हमारी यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू माइनस वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है हम कर चुके हैं, उसी पे बेस्ड है हमारा. ए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर टू की. अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है. अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना होता था. यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए जो है दैट इज गिवन टू अस. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू है, एडजॉइंट ऑफ ए हमें 9 गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट करना है. अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन. एन की वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो 2 माइनस वन इज 1. तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए. आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 4, 2, 5, 2, 0, 3 माइनस 1, 1, 0, ये हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है. If A is a matrix of order 3 by 3, four to five, two zero three, minus one one and zero. ये 3 by 3 order की matrix हमें given है. तो we are to find the value of determinant of 2A A inverse. इसकी value जो है हमें find out करनी है. अभी हमने किया था जब हमें इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर मतलब लेके चलते हैं डिटर्मिनेंट, यानी कि ये मुझे इस फॉर्म में गिवन है, तो जब मैं इस 2 को डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आऊंगी तो 2 जो है जितना ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का इसकी पावर वो बन जाती है, यानी कि दिस विल बी 2 क्यूब इंटू ए इनवर्स. अब अगेन A इनवर्स जो है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A इनटू A इनवर्स. एक मैट्रिक्स को अगर हम उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी ऑलवेज गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस इज 8 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1. सो दिस इज 8 इनटू 1 दैट इज 8. तो ट्वाइस ऑफ A इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है दैट इज इक्वल टू 8. देन अगेन हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि हमें जो है लेट अस सपोज कि सम डिटर्मिनेंट्स गिवन है, जैसे यहाँ पे है मेरे पास 2, -3, 5, देन 6, 0, 4, 1, -5 एंड 7, 1, 5 एंड -7. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें, या तो मुझे गिवन होगा कि आई हैव टू फाइंड द माइनस, आई हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स, या फिर आई हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, या फिर इनमें से मुझे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे. लेट अस सपोज कि मुझे दे दिया 3, 1 इंटू A, 3, 1, देन मुझे दे दिया 2, 3 इंटू A, 3, 2. तो डिफरेंट यहाँ पे होंगे आपकी. अब जो ये स्मॉल a है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट, यानी कि ये वाली वैल्यूज आप उठाओगे जो भी रो या कॉलम बन रहा होगा. कैपिटल A की जगह कैपिटल C भी लिखा आ सकता है. A या C जो है आपका कैपिटल दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कोफैक्टर, तो आप कोफैक्टर की वैल्यू जो है वो निकालोगे. माइनर और कोफैक्टर में आपका क्या डिफरेंस होता है, दोनों की वैल्यूज जो है वो दोनों वैल्यूज सेम होती हैं. द ओनली डिफरेंस इज दिस कि कोफैक्टर में आपका आगे जो है ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करते हो, डिपेंडिंग ऑन कि अगर जो उसकी सम ऑफ रो और कॉलम बन रहा है वो इवन बन रहा है तो माइनर और कोफैक्टर आपके दोनों इक्वल होते हैं. अगर सम ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द एलिमेंट ऑड बन रहा है
तो माइनर एंड कोफैक्टर आर हैविंग द ओपोजिट साइंस. कोफैक्टर को आप फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो. तो दिस ऑल्सो यू आर टू टेक केयर ऑफ. देन जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हुए हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो उसी स्पेसिफिक कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए. अगर आप एक एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपकी वैल्यू जो है उसकी एग्जैक्ट नहीं मिलती, वो आपको रिजल्ट हमेशा जीरो देता है. देन वी आर हैविंग इफ ए इज अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन प्लेस ऑफ दिस दैट डिटर्मिनेंट ए not equal to zero, you could have been given that this is a non-singular matrix. So both means the same. So A हमें 3x3 order की matrix given है, determinant A हमें given है, this is not equal to zero, and we are given that determinant of 3A is equal to K times determinant A, and we are to find the value of K. Again हम ये result कर चुके हैं, अगर K times A का determinant है तो दैट इज इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, और के रेज टू पावर जो भी आपका ऑर्डर होता है वो चीज आती है. तो यहाँ पे मेरे पास जो है वैल्यू 3 बाहर आएगी, ऑर्डर 3 था, गिवन है ये आपको, तो 3 का क्यूब यानी कि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि के की जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 27. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके जो यहाँ पे इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट वन इज द डिलीटेड पार्ट, तो यू नीड नॉट डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आपने नहीं करने. वन मोर थिंग वाज लेफ्ट, मेरे से एक बच्चे ने मैसेज करके पूछा था, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ अ गिवन दैट मैट्रिक्स. आपका जो ट्रेस आप निकालते हो तो उसमें ट्रेस जो है दैट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर लाइंग ऑन द मेन डायगोनल. मेन डायगनल पे जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनका जब हम सम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेस. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. समटाइम्स आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है. तो और देन की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो आपका, उसका हमेशा जो बनता है आपका मेन डायगनल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर ऑलवेज जीरो. तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है रिलेटेड टू दिस. उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है ऑड ऑर्डर की, तब उसका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. विदाउट कैलकुलेटिंग आप उसको लिख देंगे कि इफ यू आर गिवन ए एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर मींस 1x1, 3x3, 5x5, 7x7, इस तरीके से. तो अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. देन जो है हमने लेके चलना है कि हमारी जो मैट्रिसेस हैं, हम कहते हैं कि अपर ट्राइंगुलर बन रही है या लोअर ट्राइंगुलर बन रही है. तो अकॉर्डिंगली अपर ट्राइंगुलर में जो है आपके ये वाले एलिमेंट्स सारे नॉन जीरो होंगे, इधर वाले एलिमेंट्स जो है आपके सारे जीरो होंगे. सेम वे में अगर लोअर ट्राइंगुलर है तो दूसरी तरफ वाले आपके एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं दैट विल ऑल बी नॉन जीरो. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. देन ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो हैं आपकी दे आर इनवर्टिबल. इनवर्स के लिए ये कंडीशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट द assertion बेस्ड questions, assertion रीजन वाले जो questions हैं आपके वो deleted ones हैं. सो यू नीड नॉट डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट टाइप ऑफ questions. इसमें जो डिटर्मिनेंट में आपके questions बनते थे find the value of x, y and z, क्योंकि अब ये part आपका MCQ है तो you can solve that part using your 10th standard जो method से वो use करके आप उसको simplify कर सकते हो. Now
इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क बिकॉज टू मोर मिनट्स आई एम हैविंग सो इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क बिकॉज इन दीज टू मिनट्स वी वॉन्ट बी एबल टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो इफ एनी डाउट इज टू यू देन